हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में और चम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 अपलोड कर दी है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उसको देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इरेशनल नंबर। तो पहला टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर्स। तो सो फार हमने रैशनल नंबर के बारे में आप लोगों से डिस्कशन की थी कि भाई रैशनल नंबर किसे कहते हैं। कि भाई रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे q की वैल्यू जीरो नहीं होती है और p और q आर को प्राइम। तो आप ये बात भी लिख सकते हो कि वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, जो नंबर रैशनल नहीं होता उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं होता उसे इरेशनल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बेटा, है ना, यानी कि दूसरे शब्दों में जिस नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो देखेंगे भाई, ओके, देखो एक्चुअल में इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर से रिलेटेड हमने एग्जांपल के बारे में अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताया है ना। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप अंडर रूट के अंदर याद रखना, प्राइम नंबर अगर आता है तो कौन सा नंबर बेटा, प्राइम नंबर आता है तो, अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कौन सा हो गया बेटा, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ठीक है, रूट सेवन एक्सेट्रा। ठीक है भाई, क्लियर है। और इसके साथ में पाई भी आपका इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक ऐसा नंबर भी होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसको भी हम इरेशनल कहते हैं। तो एंड करके मैं आपको वो एग्जांपल भी बताता हूं, जैसे कि आपका 0.371159271943217244 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये नंबर ना तो एंड हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हुआ, ना ही रिपीट हुआ कहीं पे, है ना। तो इस नंबर को भी हम क्या कहेंगे बेटा, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप फटाफट से इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। ओके, तो एग्जांपल नंबर 3 कहता है कि लोकेट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन। चलिए देखो, समझते हैं, नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को प्लॉट करना बहुत आसान है, बट शर्त यह है कि उसकी हमें वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये एक नंबर लाइन है, ये जीरो रहा, ये वन रहा, ये टू रहा, ये थ्री रहा, ये 4 रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि 3.5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो 3.5 मतलब 3 और 4 के बिटवीन आएगा, समवेयर यहां पे आएगा, है ना।
तो आप यहां पे प्लॉट कर दोगे क्योंकि उसका उसकी वैल्यू आपके पास एक्यूरेट थी। समझ रहे हो बात को कहने का मतलब? तो 3.5 3.6 आप उसको एक्यूरेट लोकेट कर सकते हो, है ना, नंबर लाइन पे। लेकिन रूट टू, अब रूट टू रूट से बाहर आएगा तो ही मैं उसका उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाऊंगा। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि इरेशनल नंबर जो है, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो ये नंबर ना ही तो कभी एंड होने वाला है और ना ही ये रिपीट होने वाला है, यानी कि चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, है ना। तो अप्रोक्स वैल्यूज की 1.141 समथिंग होती है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यूज की नहीं होती है ना। तो बेटा फिर ये समस्या आ गई कि भैया इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाए। तो देखो एक चीज समझते हैं, मान लेते हैं दो मिनट के लिए कि बेटा ये आप मेरे हाथ में इस पेन देख रहे हैं, मैं कहता हूं यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ रूट टू यूनिट है, तो मैं इसको इजीली प्लॉट कर पाऊंगा भाई जीरो से लेकर के, एक सेकेंड रुकना जरा, भाई मैं क्या करूं इसको, इसकी टिप को जीरो पे रखूंगा और यहां से लेकर के यहां तक, मतलब समवेयर यहां तक, यहां पे पहुंच रहा है ना, तो रूट टू प्लॉट हो जाता। कहने का मतलब समझा आपने कि अगर मेरे पे इसकी लेंथ होती तो, मतलब अगर हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि जितना लंबा रूट टू होता है उस वो लेंथ मिल जाए मेरे को तो भी मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाऊंगा। तो आप देखेंगे उस प्रोसेस को समझते हैं कि बेटा हम कैसे नंबर लाइन को प्लॉट करें, है ना। चलिए अब सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ, नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके थोड़ा और लंबा कर लें इसको। एक सेकेंड भाई ये यहां तक थी ना, इसको मार्क भी कर लेते हैं, जरा जरा इसको मार्क कर लेते हैं बेटा, है ब्लैक ब्लैक से कर देते हैं। हाँ ठीक है, देखो भाई ये एक ये दो, ओहो एक सेकेंड दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं बेटा कलर चेंज करके। देखो 16.1 सेंटीमीटर है, बट वो हल्का 19-20 अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नॉट अ बिग इशू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये पूरा 16, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, है बहुत ही ध्यान से देखेंगे यार। एक काम करता हूं मैं, इसको एक को तो जीरो मान लेता हूं भाई, ये जीरो हो गए, वन हो गए, टू हो गए, थ्री हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरफ ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, यहां तक कोई डाउट नहीं है बच्चों? कोई भी डाउट नहीं है ना आपको? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके इसको हमने कर दिया थोड़ा सा बड़ा। चलिए अब समझते हैं भैया, अब समझते हैं ओके देखिए अब समझते हैं बात को। ये नंबर लाइन इधर से बेटा ये अप टू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है और इधर से अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। ओके अब देखो हमें रूट टू को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, हमें किसको प्लॉट करना है बेटा नंबर लाइन पे? रूट टू को। क्वेश्चन एक सेकेंड बच्चों, चलो कोई बात नहीं, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था वो क्वेश्चन शायद इरेज हो गया है, तो कोई बात नहीं। आपको पता ही है कि क्वेश्चन क्या है कि भाई रूट टू को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना, ठीक है भाई।
नंबर लाइन, ठीक है भाई। ओके, अब देखते हैं कैसे प्लॉट किया जाए, उस चीज को समझते हैं। यार एक बात बताओ, समझना ठीक है, मेरी बात को समझना। मैं यहां से एक स्क्वायर ले रहा हूं, है एक स्क्वायर ले रहा हूं मैं। देखो मैंने यहां पे एक स्क्वायर लिया एक यूनिट का, समझ रहे हो मेरी बात को भाई। ये एक यूनिट ही है, जीरो से लेकर के वन एक यूनिट है ना। एक यूनिट का मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है भाई, चलेगा चलेगा। अब ये मैं इसका डायगोनल बना रहा हूं, एक सेकंड रुकना, ये मैंने इसका एक डायगोनल बनाया, ठीक है। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर अच्छा ये बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये वन यूनिट है, ये भी वन यूनिट है, तो हाइपोटेन्यूस कितनी आएगी, पाइथागोरस से निकालें तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखना बेटा, हाइपोटेन्यूस बराबर वन का स्क्वायर वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, तो हाइपोटेन्यूस बराबर कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट टू आ गई। चेक कर लो भाई, वन और वन टू, और रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमने ये नोटिस किया कि बेटा ऑटोमेटिकली ये जो है हाइपोटेन्यूस वो रूट टू यूनिट की आ गई थी, है ना। वो कितने यूनिट की आ गई थी बेटा, रूट टू यूनिट की आ गई थी। ओके, तो बेटा यहां से हमें ये बात समझ में आई कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये चल रहा है कि यार मेरे को ये वाली लेंथ का पता चल जाए तो मैं फिर ये पता लगा लूंगा कि बेटा रूट टू की लंबाई इतने यूनिट होती है, और फिर मैं यहां से इसको डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दूंगा यहां पे, है ना। चलिए अब इसको समझते हैं आगे, इसको थोड़ा सा अभी मैं फिलहाल ऊपर कर देता हूं, बाद में देखेंगे इसको। देखो अब जिसको जो लेंथ मुझे प्लॉट करनी है उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, हाइपोटेन्यूस मानेंगे। तो मैं बेटा लेट कर रहा हूं एच फोर हाइपोटेन्यूस बराबर रूट टू यूनिट्स की। अब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस की नीड पड़ेगी, तो बेटा अभी अभी हमने वेरीफाई करके आपको दिखा भी दिया कि परपेंडिकुलर भी आप वन यूनिट का ले लीजिए यहां पे, और बेस भी आप वन यूनिट का ही ले लीजिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही एक एक यूनिट के ले लेते हैं, और इस चीज को फिर से वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं, शो कर देते हैं एक बार कि हाँ भाई जो हमने लिया है वो सही लिया है, नहीं लिया है ना। ओके, तो देखो तो वेरीफाई कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब देखते हैं बेटा, है देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको गिवन है वन, हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है वन, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस वन वन, तो दोनों का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है भाई, वन प्लस वन टू होता है। तो ये क्या था, एच स्क्वायर था भाई, ये एच स्क्वायर था, और यहां से स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो उस पर रूट आ जाएगा, तो एच बराबर कितना आ गया बेटा, अंडर रूट टू आ गया, इतने यूनिट। तो हो गया ये वेरीफाई भाई, हमने जो लेट किया है वो बिल्कुल सही लेट किया है ना, इस चीज में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके ओके भाई ओके, चलिए अब हम वापस अपनी नंबर लाइन पे आ जाते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो डायमेंशंस लेट करी हैं ये किस तरीके से और क्यों लेट करी है ना। अब दोबारा से इस पे आ जाते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा था, मैंने भाई क्या करा, बेस बनाया, परपेंडिकुलर बनाया एक यूनिट का, और ये राइट एंगल बना दिया इस पे, है। चलो मैं इसको एक काम करता हूं, इरेज कर देता हूं, इरेज होगा ये, लेकिन शायद ये इरेज होगा नहीं, नहीं इरेज नहीं होगा ये, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई नहीं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई पहले मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक यूनिट, क्योंकि मैंने यहां पे जो लेट किया था उसको वेरीफाई कर लिया कि जो लेट किया है वो बिल्कुल ठीक लेट किया है, तो इसीलिए मैंने पहले बेस बनाया एक यूनिट का, आप देख सकते हैं उस बेस पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया और उस पर परपेंडिकुलर भी ले लिया वन यूनिट का,
यूजिंग, यहां पे हमने किस चीज का यूज किया बेटा, एक स्क्वायर का यूज किया है। तो हमने चेक किया कि जो हमारी हाइपोटेनस आ रही थी वो हाइपोटेनस कितनी आ रही थी बेटा, वो ऑटोमेटिकली रूट टू आ गई थी, है ना, वो ऑटोमेटिकली अंडर रूट टू यूनिट की आ गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को ये लंबाई पता चल गई कि रूट टू की लंबाई इतनी होती है। अब मैं इस लेंथ को मेजर करूंगा किसी उसके हेल्प से, स्केल की हेल्प से, और उसको फिर प्लॉट कर दूंगा। क्लियर है? तो चलो स्केल की हेल्प लेते हैं, उसको मेजर करते हैं। देखते हैं बेटा ये कितनी है। देखो भाई ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहां पे भी मैं एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपने ये कैसे करना है बेटा, आपने कंपास की हेल्प लेनी है यहां पे, है ना। तो ये लगभग कितने यूनिट आ रही है, ये आ रही है बेटा एक दो, यहां से एक, यहां से दो, और यहां से 2.5, 2.67 अप्रोक्स आ रही है ना, 2.67 अप्रोक्स आ रही है। चलिए इसको हम 2.67 अप्रोक्स यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। अप्रोक्स यानी कि लगभग यहां पे, ओके। लगभग यहां पे, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, ठीक है। देखो ये जो लाइन आपकी आएगी, ये रेडियस अगर आप लेते हो तो ये रेडियस यूं करके यहां पे डिप, ए समथिंग कुछ ऐसे करके यहां पे गिरेगी। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, दैट इज पी पॉइंट कह लो, ये कितने यूनिट का हो गया बेटा, रूट टू यूनिट का हो गया। तो कुल मिला के आपने इस तरीके से प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है।